प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियोस में मैंने कई एप्लीकेशंस की वीडियोस बनाई हैं, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। कृपया मेरी प्रत्येक वीडियोस देखिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते रहिए। आज मैं आपके लिए जो एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए आपको एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी है, कि किस प्रकार आपको अपनी बहन की शादी में लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति प्राप्त करनी है, और अनुमति प्राप्त करने के लिए आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को यानी डीएसपी साहब को किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू अलाउ यू टू यूज लाउड स्पीकर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ योर सिस्टर। इसका आंसर इस प्रकार होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे टू, टू के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगने के बाद इसी कॉमा के जस्ट नीचे से आप लिखेंगे द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद फिर से कॉमा, नेक्स्ट लाइन में इस स्थान का नाम बरेली फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके जस्ट नीचे इसी तरह डेटेड, जिस डेट को आप ये पत्र लिखेंगे उस डेट, मंथ और डेट और सन जो भी है आप डालेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर जस्ट टू की सीध में ही आप लिखेंगे सर, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर यूज ऑफ लाउड स्पीकर परमिट, कि आपको लाउड स्पीकर बजाने के लिए परमिशन दी जाए। तो इस प्रकार लिखेंगे से। इसको लिखने के बाद यहाँ आप शुरू करेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली, नई लाइन से लिखेंगे, कॉमा लगाएं। आई बेग टू से दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई यंगर सिस्टर बीना विल बी परफॉर्म्ड ऑन नवंबर 24th, दो यहाँ पर सन लिखेंगे 2022, 2021 जो भी है। सो आई नीड टू यूज लाउड स्पीकर फॉर द फंक्शन। यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आप कह रहे हैं आई बेग टू से दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द मैरिज सेरेमनी, जो विवाह का समारोह है ऑफ माई यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन का, जिसका नाम बीना है, विल बी परफॉर्म्ड ऑन, जो होगा 24 नवंबर 2022 या 2021 जो भी है, जो डेट आपने चूज की है। सो आई नीड टू यूज लाउड स्पीकर फॉर द फंक्शन, इसलिए इस उत्सव या समारोह के लिए लाउड स्पीकर का यूज करने की आवश्यकता है। इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे आई, कॉमा लगाएंगे, देयर फोर फिर कॉमा लगाएंगे, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर यूज ऑफ लाउड स्पीकर फ्रॉम 4 PM to 10 PM ऑन नाउ नवंबर 24th, और यहाँ पर सन 2022 या जो भी सन आपकी है वो लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और यहाँ पर ये कहा गया है, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे परमिशन प्रदान करें लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए, और 4 बजे, शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 24 नवंबर 2000 जो भी सन है उसको आप परमिट करें मुझे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा, और यहाँ पर योर्स फेथफुली XYZ, यहाँ नाम लिखा है और एड्रेस लिखा है। इस प्रकार आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एन एक्शन अगेंस्ट द अनडिजायरेबल पर्सन कॉजिंग पब्लिक नॉसेंस इन योर लोकलिटी। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम सर को एप्लीकेशन लिखेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। जो भी समाज में ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर आपके क्षेत्र में जो क्या नाम है इसका, जो गलत अवांछित तत्व हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लेनी है, उसके लिए डीएम साहब को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एप्लीकेशन किस प्रकार लिखी जाएगी, उसी क्रम में
स्टार्ट में आपको टू लिखना है, टू के बाद कॉमा लगाएं, कॉमा के जस्ट नीचे से आप लिखें द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉमा लगाएं, जैसे यहाँ बरेली लिखा गया है, जो भी आपका जिला हो उस जिले का नाम लिखें, फुल स्टॉप लगा दें। नेक्स्ट लाइन से लिखें, एक लाइन छोड़ के सर, सर के बाद फिर कॉमा लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट नई लाइन से आप लिखेंगे वी, कॉमा लगाएं, द रेजिडेंस ऑफ मोहल्ला मंडीनाथ और ये जगह का नाम निरंकर देव मार्ग, निरंकर देव मार्ग रेस्पेक्टफुली बांड टू स्टेट दैट सम अनडिजायरेबल पर्सन हैव रिसेंटली कम टू स्टे इन ए नियर बाई लॉज, समटाइम्स दे सिंग वल्गर सॉन्ग एंड पास इंडिसेंट रिमार्क्स और कमेंट्स ऑन द गर्ल्स, दे स्टैंड ऑन द पान खोकास एंड टॉक लाउडली, समटाइम्स दे आर फाउंड ड्रंक ऑल्सो, दे फाइट विद अस टू वैन ऑब्जेक्टेड, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे वी देयर फोर, कॉमा लगाएंगे, रिक्वेस्ट यू योर ऑनर टू डू समथिंग फॉर चेकिंग दियर एक्टिविटीज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द लोकलिटी, फुल स्टॉप लगाएंगे, ए क्विक एक्शन इज रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में थैंकिंग यू और यहाँ पर योर्स फेथफुली, जो भी ए बी सी एक्स वाई जेड लिखना है, उसके बाद रेजिडेंस कहाँ का है ये, मोहल्ला मंडीनाथ निरंकार मार्ग बरेली सिटी, यहाँ पर ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपने कहा है कि हम मोहल्ला मंडी नाथ निरंकार देव मार्ग के निवासी हैं और रेस्पेक्टफुली यानी सम्मानपूर्वक वांट टू स्टेट दैट, ये कहना चाहते हैं कि सम अनडिजायरेबल पर्सन, कुछ अवांछनीय तत्व हैव रिसेंटली कम टू स्टे नियर बाई लॉज, कुछ यहाँ पर जो पास में ही लॉज बनी हुई है उसमें कुछ अवांछनीय तत्व आकर रहते हैं और समटाइम्स माने भी दे सिंग गाते हैं वल्गर सॉन्ग यानी कि अश्लील गाने एंड पास्ट इंसिडेंट रिमार्क्स ऑन और कमेंट्स ऑन द गर्ल्स और लड़कियों पर वो अवांछनीय कमेंट पास करते हैं, दे स्टैंड और वो खड़े होते हैं पान के खोखाओं पर और टाक लाउडली और जोर जोर से बातें करते हैं, समटाइम्स दे आर फाउंड ड्रंक आल्सो, कभी कभी वो शराब पिए हुए भी पाए जाते हैं और वे दे फाइट विद अस, वो हमसे झगड़ा करते हैं टू वैन ऑब्जेक्टेड, जब उनका जब कोई उन पर ऑब्जेक्शन करता है तो वो हमसे झगड़ा भी करते हैं, इसलिए वी देयर फोर रिक्वेस्ट योर ऑनर, हम सम्मान पूर्वक आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि सम टाइम फॉर चेकिंग दियर एक्टिविटीज, कि उनके क्रियाकलापों की कभी कभी जांच भी की कर लिया जाए और टू मेंटेन लॉ, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इन द लोकलिटी क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था बनी रहे, ए क्विक एक्शन इज रिक्वायर्ड, उनके लिए बहुत जल्द तेजी से एक एक्शन यानी कार्य करने के लिए परम आवश्यकता है, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली और रेजिडेंस जो भी दिया हुआ है, इस प्रकार आप एप्लीकेशन लिखेंगे और बोर्ड परीक्षा में भी इस प्रकार एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए, थैंक यू वेरी मच।